फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस। अभी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नोबल गैस। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी नोबल गैस है। तो देखिए, हमने 10th क्लास तक सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है ना, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़े हुए हैं हमने ग्रुप्स और पीरियड। तो ग्रुप 18 के अंदर आपकी आती है नोबल गैसेस, तो इसमें है आपकी हीलियम नोबल गैस। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ हीलियम। द नोबल गैसेज आर द केमिकल एलिमेंट्स इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली जो नोबल गैसेस हैं, ये आपके केमिकल एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 के अंदर देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं आपको आउटर शेल में। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि ये हम सब ने पढ़ रखा है और ये आपके इतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस केमिकल सीरीज कंटेन, तो देखिए जो नोबल गैसेज है, इसके अंदर आता है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो ये सब हैं आपकी नोबल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच एसिड इज़ डिस्क्राइब्ड एज। तो देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला गिवन है, ये कौन सी एसिड का है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला है C2H2O4। इसे अक्सर क्रैब एसिड के नाम से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी अपीयरेंस के कारण इसे क्रैब एसिड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अनियन, डैफोडिल, ट्यूलिप आर विच काइंड ऑफ स्टेम्स। तो ये कौन सी काइंड, किस टाइप में आती हैं स्टेम्स की? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बल्ब। अनियन, डैफोडिल, ट्यूलिप आर बल्ब स्टेम्स। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, ट्रू बल्ब में देखने को मिलेगा अनियन। द रिंग्स विच वी सी व्हेन वी स्लाइस एन अनियन इज हाफ आर एक्चुअली लीव्स मॉडिफाइड टू होल्ड फूड फॉर द बल्ब व्हेन इट इज डोरमेंट। तो बेसिकली आपको एग्जाम में ये पूछेंगे कि ये कौन सी काइंड ऑफ स्टेम्स में आता है, तो ये आता है आपका बल्ब में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द टेम्पोरल बोन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। टेम्पोरल बोन को छोड़ के ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी बोन को स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कंसीडर किया जाता है? तो ये है आपकी फेमर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इट इज़ द ओनली बोन लोकेटेड विद इन द ह्यूमन थाई। और ये बोन आपको देखने को मिलेगी आपकी थाई के अंदर। ये लॉन्गेस्ट के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एक्सटेंड होती है हिप टू द नी। तो हिप से लेके नी तक आपकी कौन सी बोन रहती है? फेमर बोन, जो कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर्स विटामिन ए, विटामिन डी एज वेल एज विटामिन B12। तो कौन सा पार्ट स्टोर करता है? तो ये करता है लेवर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाइल जूस सिक्रीट होता है ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, एनोमेफिली इज पॉलिनेशन बाय। तो बेसिकली जो एनोमेफिली है, ये एक तरह की पॉलिनेशन करवाता है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होती है, ये होती है आपकी विंड के थ्रू। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वेल, जो ये पॉलिनेशन है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? मोस्टली देखने को मिलेगी ग्रासेस के अंदर, मोस्ट कॉनिफर्स, मॉइस्ट कॉनिफर्स, डेसिडुअस ट्रीज के अंदर। 20% ऑफ अबायोटिकली पॉलिनेटेड स्पीशीज, 90% आर एनोमिफिलिस एंड 2% होती है हाइड्रोफिलिस के थ्रू, दैट इज थ्रू वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर के द्वारा कौन सी वेव को एब्जॉर्ब किया जाता है? तो ये है आपकी यूवी रेज को। ठीक है, यूवी लाइट इन लार्ज क्वांटिटी हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। तो अल्ट्रा वायलेट का ह्यूमन के ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट रहता है, अगर ये लार्ज क्वांटिटी में ये अर्थ पे आए तो। बट हमारे पास क्या रहती है? ओजोन लेयर, जो कि इसे अर्थ पे एंटर होने से रोकती है। ठीक है, पोटैटो इज़ एन एग्जांपल ऑफ
तो ये आता है आपका ट्यूबर में, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर्स, जो उसकी स्वॉलन एंड होती है वो स्टोर करती है स्टार्च। इट इज़ अ स्टेम, इसे स्टेम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे नोड्स देखने को मिलती है, जिसे हम आई विथ स्पेसिस बिटवीन आईज नोन एज इंटर नोड्स। पोटैटो ट्यूबर डेवलप एट द एंड ऑफ स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं राइजोम्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो वे है आपका स्नेक, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। स्नेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल दैट डू नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो बेसिकली स्नेक है वो अपना कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखता। दे गेट देअर हीट, ये अपनी हीट लेते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से, सो देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है ये फ्लक्चुएट करता रहता है और ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर। अदर एग्जाम्पल्स देखें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, तो वो आएगी आपके फिश, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, ठीक है, और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, तो इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा टेरिलेन। जूट, फ्लैक्स, वूल, दे ऑल थ्री आर नेचुरल फाइबर, ये तीनों हैं आपके नेचुरल फाइबर, लेकिन टेरिलिन नहीं है, ठीक है। नेचुरल फाइबर वो होते हैं डिफाइंड एज सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस हुए किए जाते हैं। इन्हें फिर स्पन किया जाता है फिलामेंट में, थ्रेड में और रोप में, और फिर फर्दर इन्हें वोवन किया जाता है, निटिंग की जाती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, तीन तरह के नेचुरल फाइबर हैं हमारे पास, वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल। वेजिटेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो सोर्स रहता है फाइबर का वो रहता है प्लांट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कॉटन, जूट, लाइनन, हेम्प। एनिमल फाइबर में हम क्या ऑब्टेन करते हैं, तो बेसिकली ये फाइबर मिलता है हमें एनिमल से, तो एनिमल से आता है सिल्क, वूल। मिनरल फाइबर की बात करें तो ये हम ऑब्टेन करते हैं मिनरल से, जैसे कि आपका आ गया एस्बेस्टोस, ठीक है। विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल, तो इसमें से लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के अंदर आपको इसमें से कौन सा लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, तो वे है आपका फ्रेंसियम, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। सोडियम मेटल इज कैप्ट अंडर, तो देखिए जो सोडियम है इसे किसके अंदर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल, तो गन मेटल के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, तो ये बनता है कॉपर एंड टिन से, तो कॉपर और टिन के अलॉय से बनता है आपका गन मेटल। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेंड, रेडियम आपका कौन से मिनरल से लिया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज पिच प्लांट, ये एक टाइप है किसकी, यूरेनियम और की, और इसी से निकलता है आपका रेडियम। पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, तो इसका यूज़ हम करते हैं फर्टिलाइजर में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, तो किसके एडिशन से जो आपकी परमानेंट हार्डनेस है पानी की वो रिमूव की जा सकती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। सोडा वाटर कंटेंट्स, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एलुमिनियम इज़, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ओर है एलुमिनियम की वो है आपकी बॉक्साइड, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर इज़, सबसे ज़्यादा पानी के अंदर कौन सी चीज़ सोल्यूबल होती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ शुगर। शुगर के अंदर आपको 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो वीक रहता है, जिसके कारण जो शुगर है ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल रहती है वाटर के अंदर, ठीक है। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़, तो कौन सी गैस फिल्ड होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो ये देखने को मिलती है नाइट्रोजन। वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर, तो किसके लिए है ये कॉमन नेम, किसका कॉमन नेम है ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला रहता है आपका Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना,
कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ हाइड्रोजन। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को ट्रैप कर लेती है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर वेपर, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर? तो देखिए जो ब्रास है उसका डिसकलर हो जाता है वो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, कौन सी गैस की प्रेजेंस के कारण उसके अंदर डिसकलरेशन देखने को मिलती है? तो ये होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण उसका जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ब्रोमीन। क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अक्रिंग चेलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल देखने को कहाँ मिलता है? प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्लोरोफिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल? तो पेंसिल के अंदर होती है आपकी ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अक्सर पेपर में ना लेड भी लिखा होता है, ठीक है, बट पेंसिल के अंदर आपकी ग्रेफाइट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमेलगम विद अदर मेटल? तो कौन बनाता है अमेलगम? तो ये इसके अंदर मरकरी रहता ही रहता है। ब्रोमाइन इज अ, तो ये है आपका रेड लिक्विड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज? सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अर्थ पे पाया जाता है वो है डायमंड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ? तो देखिए जो आयरन शीट्स होती हैं गैल्वेनाइज्ड, उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, किसकी परत लगाई जाती है? तो वो लगाई जाती है जिंक की। क्यों लगाई जाती है? ताकि उसको हम रस्टिंग से बचा सकें। अमंग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? तो आपने इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज़ द सॉफ्टेस्ट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हैवी वाटर किसे कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द केमिकल इथाइल मरकैप्टन एडेड टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस एलपीजी कुकिंग गैस फॉर इम्पार्टिंग अ डिटेक्टेबल स्मेल टू द गैस इज अ कंपाउंड ऑफ? तो बेसिकली क्या रहता है, इथाइल मरकैप्टन केमिकल है एक जो आपकी एलपीजी कुकिंग गैस है उसके अंदर डाला जाता है, ताकि इन केस अगर आपकी गैस ऑन रह जाती है तो उसको आपको स्मेल से पता चल जाए कि हाँ कि गैस लीक हो रही है या आपकी गैस ऑन रह गई है, तो उसके लिए इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। अदरवाइज जो एलपीजी है ये ऑर्डरलेस रहती है, मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं आती, तो ये केमिकल हम ऐड करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वो जो गैस है किसका कंपाउंड है वो, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ सल्फर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद? तो देखिए नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन हम जो नॉन स्टिक होते हैं घर में यूज़ करते हैं ना, तो उसके ऊपर आपकी रहती है ये कोटेड होते हैं टेफ्लोन के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 इज़, अटोमिक बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो ये काम करता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी के ऊपर बेस्ड। विच इज़ यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन? इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं एंटी एसिड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इन फायर वर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ? तो देखिए फायर वर्क्स के दौरान जो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है? बेरियम के कारण। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन? तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो किस किस स्केल के ऊपर मापी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा मरकरी स्केल। रिक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक का हम मैग्नीट्यूड मापते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू? जो आपको स्काई का ब्लू कलर दिखता है ये क्यों दिखता है? क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण आपको स्काई ब्लू दिखता है। द बॉडीज दैट ग्लो ड्यूरिंग द नाइट स्काई आर नोन एज? तो आकाश के अंदर रात के समय जो चमकती हैं आपकी बॉडीज,
उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो रहती हैं आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे आपके स्टार्स हो गए, तो ये हैं आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़। द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वॉज, पहला सिंथेटिक फाइबर जो एक इंसान के द्वारा बनाया गया है वो है आपका नायलॉन। तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड एज। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि वो फोर्स जो हम एक बॉडी पे लगाते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसे हम कहते हैं इम्पल्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया है? हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, जब हम किसको बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो वो वहाँ पे रहती है आपकी इम्पल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसमें से कौन से कोलाइडल सोल्यूशन है? मिल्क, फोग, स्मोक, ये सारे के सारे कोलाइडल सोल्यूशन है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके फादर हैं आपके कार्लस लीनियस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मेनी बोन्स। तो कितनी बोन्स देखने को मिलती हैं अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 206। द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाय। तो देखिए जो हम बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ये कौन सा पार्ट रहता है ब्रेन का जो हमें बैलेंस का सिग्नल देता है, बॉडी के बैलेंस को कैसे बनाए रखना है? तो ये पार्ट रहता है आपका सेरिबेलम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द सेरिबेलम कंट्रोल्स द इक्विलिब्रियम एस्पेक्ट्स ऑफ बैलेंस एंड मसल टोन, विच आर फैक्टर्स दैट प्रोवाइड फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड एक्टिविटी, ठीक है। विच ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर ऑल्सो यूज एज पेन किलर। तो इसमें से कौन सा ड्रग है जिसे हम पेन किलर के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं? तो ये है आपका नारकोटिक्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कौन सा ड्रग प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? तो वे है आपका ओपियम। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर। एंटीबायोटिक्स का हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ट्रीट करनी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।